बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और हमलावर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस दौरान ट्रंप तुरंत डायस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर तक वो डायस के नीचे ही छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था। बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें वहां से लेकर बाहर निकल गए। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर कर दिया है। अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छू कर निकली, जिसकी वजह से वो घायल हो गया है। इस हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए हैं, जहां उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला, पीएम मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला है और लिखा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं।